हेलो गाइस, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, हेयर कर्ल। कर्ल कई तरीके से होता है, मशीन से भी होता है, रोल से भी होता है, और सॉफ्ट कर्ल होता है, हार्ड कर्ल होता है। बट मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो मैं हार्ड कर्ल बताने वाली हूँ, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट हार्ड का मिक्स बताऊंगी मैं आपको, और वो भी हम मशीन से आपको बनाना बताएंगे। तो आप कभी भी अगर अपने बालों में कोई भी हीट वाला काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने बालों में अगर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं या फिर कर्ल कर रहे हैं, तो हमें अपने बालों में हीट प्रोटेक्टर जरूर यूज़ करना चाहिए। वो कई फॉर्म में आते हैं, वो सीरम फॉर्म में भी आते हैं, वो स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं, और वो जेल फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, इस चीज़ की नॉलेज होना कस्टमर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम लोग बालों में, काफ़ी लंबी लेंथ है उनकी जिनके बालों में हम करने वाले हैं, तो देखते हैं हम कि किस तरीके से कर्ल होगा। और आप अगर मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के टाइम पे। ओके, तो देखिए, अब हमने कर्ल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए जो हमें यूज़ करना है वो देखिए, ये होती है कर्ल मशीन। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा हम बालों में इनके ऐसा कुछ नहीं लगाने वाले हैं, प्री हीट सिर्फ सीरम लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं लगाएंगे। तो देखिए, ये सीरम हम यूज़ करेंगे इनके बालों में थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम इनके बालों को लगाएंगे। क्या होता है, हम लोग अगर कभी भी अपने बालों में कुछ भी हीट दे रहे हैं तो हमें अपने बालों में प्री हीट का कुछ ना कुछ बालों में ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करती है जो स्ट्रेटनिंग या कर्ल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। खुल गया वो। और देखिए, ये होता है प्री स्प्रे, तो इसको भी हम बालों में यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हम इनका कर्ल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम इनका कर्ल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं तो फिर हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान।
और जब मैं बनाने पे आऊंगी तो तुझे पता ही है। ऐसी